प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन ने पेट की सर्जरी के बाद खोला राज, वो कैंसर से पीड़ित है, करवा रही है कीमोथेरेपी। केट मिडलटन ने 2 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद जारी किया वीडियो संदेश, बताया फिलहाल उनकी हालात में सुधार है। डोनाल्ड ट्रंप की शेयर बाजार में वापसी, ट्रंप की मीडिया कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप शेयर बाजार में होगी सूचीबद्ध। ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड एग्जीबिशन कॉप के साथ विलय को मिली मंजूरी, नैस्डैक स्टॉक मार्केट में पहले से लिमिटेड है डिजिटल वर्ल्ड एग्जीबिशन कॉप। अमेरिका के मिनेसोटा में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, मकान सड़क पेड़ और गाड़ियों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, रूस और चीन के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया। रूस ने अमेरिका के प्रस्ताव को बताया पाखंड का तमाशा, 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 11 ने प्रस्ताव के पक्ष में किया था वोट। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का इसराइल का 6ठा दौरा, कहा इसराइल के साथ गाजा के राफे में जमीनी हमले के विकल्प साझा करेंगे। सेंट्रल गाजा के अल जहरा पर इसराइल ने किया स्ट्राइक, बमबारी के बाद आसमान में काला धुआं उठता नजर आया। गाजा पर पिछले 24 घंटे में 65 फिलिस्तीनियों की मौत, जबकि 92 से ज्यादा लोग घायल हुए। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक इजरायली हमले में 31,988 लोगों की मौत हुई, जबकि 74,188 लोग घायल हुए। गाजा के लोगों में भुखमरी का कहर, राहत शिविरों में रह रहे फिलिस्तीनियों में खाने के लिए मची भगदड़। दक्षिणी गाजा में कई देशों के विमान राहत सामग्री एयर ड्रॉप कर रहे हैं, खाने के लिए भागते नजर आए शरणार्थी फिलिस्तीन। इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी को गोली मारकर गिराया, रेड के दौरान बंदूकधारी युवक ने सैनिकों पर की थी फायरिंग। फिलिस्तीनी युवक के फायरिंग में 3 इजरायली सैनिक घायल, स्थानीय लोगों ने इजरायली सैनिकों पर जबरन रेड करने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। रूसी सेना ने यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले का दावा किया, यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्र और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया निशाना। रूसी सेना के प्रवक्ता ने बताया रूसी सेना में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन और ऐसी जगहों को टारगेट किया गया जहां यूक्रेनी सैनिक तैनात हो सकते हैं। रूस के बेलग्रोद पर हुए यूक्रेनी रॉकेट अटैक में एक महिला की मौत, जबकि 2 लोग घायल हुए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। बढ़ते यूक्रेनी हमले के बाद बेलग्रोद से बच्चों को निकालने का दिया गया आदेश, 9,000 से ज्यादा बच्चों को शहर से हटाया गया।